हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका अपने चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कल होने वाले मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का, जो होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे और हम बताएंगे कि ये जो वेन्यू है वो कैसे कैसे बिहेव करता है, कितना टोटल है अभी तक, कितना एवरेज टोटल है इसका, क्या पिच रिपोर्ट है इसकी। फिर हम बात करेंगे हेड टू हेड कि ये दोनों टीमें अभी तक कितना मैचेस आपस में खेली हैं और किस टीम ने कितना मैच जीता है। फिर हम बात करेंगे टीम स्क्वाड की, फिर हम बात करेंगे स्टैट्स की, जो भी उनका स्टैट्स है दोनों टीमों का। और फिर हम बात करेंगे कि कल की होने वाली टीम में क्या प्लेइंग इलेवन होगी ऑस्ट्रेलिया की और क्या प्लेइंग इलेवन होगी नीदरलैंड की। फिर हम बात करेंगे कि हमारी जो फैंटेसी टीम है वो क्या होने वाली है और हम कैसे कैसे कैप्टन देखेंगे, कैसे वाइस कैप्टन देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको 3 टीमें प्रोवाइड करूंगा। नॉर्मली हर एक वीडियो में मैं 2 टीमें प्रोवाइड करता हूँ, इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा टीम आपको प्रोवाइड करूंगा, 3 टीम। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप जाइए सर्च बार में, और सर्च बार में टाइप करिए @scricket2, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का आइकॉन आपको दिखेगा, ठीक है। और इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो खुल के आएगी, जहाँ आपको ये सब्सक्राइब और बेल बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ऐसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो वैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगली वीडियो और अच्छे से बनाऊँ और अच्छे से एफर्ट डालूँ। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कल के होने वाले मैच में जो होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम पे। तो अभी तक वहाँ पे 29 मैच खेला गया है, जिसमें से जो होम साइड है वो 14 मैच जीती है, टर्निंग साइड जो है 7 मैच जीती है, और न्यूट्रल साइड जो है 7 मैच जीती है। यानी पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है वो 14 मैच जीती है, दूसरी बार बैटिंग करने वाली जो टीम है वो भी 14 मैच जीती है, जो टीम टॉस जीती है वो 11 बार मैच जीती है, जो टॉस हारती है वो 17 बार मैच जीतती है। यानी यहाँ पे टॉस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन हालिया दिन में इस अरुण जेटली स्टेडियम का जो पिच है उसने अलग ही करवट ली है। यहाँ ये पहले लो स्कोरिंग पिच हुआ करती थी, बट अभी ये जो है हाई स्कोरिंग पिच हो चुकी है। अगर बात करें हम टाई मैचों की, तो यहाँ पे कोई मैच अभी टाई नहीं हुआ है और एक मैच जो है विदाउट रिजल्ट का हुआ है, ठीक है। तो हाईएस्ट टीम इनिंग की बात करूँ तो 428 रन बना है, जो अभी साउथ अफ्रीका ने बनाया था। अगर लोएस्ट रन की बात करूँ तो 99 रन है, साउथ अफ्रीका का ही है। हाईएस्ट चेज की बात करूँ तो 281 रन हाईएस्ट चेज हुआ है इस पिच पे, ठीक है, जो श्रीलंका ने चेज किया था। एवरेज रन पर विकेट की बात करूँ तो 31.18 पे 1 विकेट गिर जाता है दोस्तों। यहाँ पे एवरेज रन पर ओवर की बात करूँ तो 5.05 का है, और एवरेज स्कोरिंग बैटिंग की बात करूँ तो 240 रन का है। तो ये जो स्टैट्स है ये इस वर्ल्ड कप के पहले का भी है और इस वर्ल्ड कप का भी स्टैट्स है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो भी टीमें खेल रही हैं वो यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट रन है 428 रन साउथ अफ्रीका का, ठीक है। तो वो इस वर्ल्ड कप का है, और ये जो स्टैट्स हैं ये पूरे अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उनका है। यानी ये जो पिच थी ये अभी के वर्ल्ड कप के पहले स्लो थी, और वर्ल्ड कप जो चल रहा है इसमें बहुत फास्ट पिचेस को बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जो स्टैट्स हैं ये बहुत ज्यादा इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो आप क्यों, अगर हमें बात करूं कि आप किस तरीके से अपनी टीम को अप्रोच करेंगे, वो आप जो अभी ये जो 4 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, जो हाई स्कोरिंग मैचेस थे, आपने देखा ही अभी कोटला में अरुण जेटली स्टेडियम, जो उसका नाम पहले कोटला था, तो वहां पे हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में बल्लेबाज रखना है, ठीक है। गेंदबाजों की यहाँ पे बहुत धुनाई होती है, तो इसलिए धुनाई होने से पहले इसलिए आपको अपने टीम में बल्लेबाजों की लड़ी लगानी नहीं है। अगर बात करें हम वहीं हेड टू हेड की अभी तक रिकॉर्ड में, तो हेड टू हेड में जो है 2 मैच हुआ है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीता है और नीदरलैंड अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ अगर दोनों टीमों की, तो ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच खेला है, जिसमें से 2 जीत हासिल हुई है और 2 में इनको जीत हासिल नहीं हुई, इनको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर नीदरलैंड की बात करूं तो इनको 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है और 1 मैच में इनको जीत हासिल हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हुई अभी तक की हेड टू हेड, और किस तरीके के फॉर्म में है टीमें, ये उनकी बात हुई। वहीं अब हम बात करते हैं
कि क्या स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया टीम की और क्या स्क्वाड है नीदरलैंड टीम की। तो ऑस्ट्रेलिया टीम में कैप्टन है पैट कमिंग्स, फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी इंग्लिस, ये दोनों विकेट कीपर हैं, ठीक है, फिर एबॉट, फिर एगर, फिर ग्रीन, फिर हेजलवुड, फिर लाबोशेन, मार्श, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, डेविड वार्नर, जंपा और स्टार्क। ये है 15 सदस्यीय टीम ऑस्ट्रेलिया की, जो किसी भी टीम को हराने का मुद्दा मादा सब रखती है। अगर हम बात करें वहीं जो है बांग्लादेश टीम की, ठीक है, तो बांग्लादेश सॉरी नीदरलैंड टीम की अगर हम बात करें नीदरलैंड टीम की, तो नीदरलैंड जो है नीदरलैंड का स्क्वाड है एडवर्ड्स, देन ओ डाउन, देन लिंडे, देन विक्रम सिंह, देन तेजा, देन पॉल वैन, देन कॉलिन, देन मर्वे, देन बीक, देन दत्त, देन रियान, देन बैरसी, देन सोल्फिकार, देन अहमद एंड सेब्रेंट। तो ये है 15 सदस्यीय टीम जो है नीदरलैंड की। आइए हम बात करते हैं स्टैट्स की, कि अभी तक मौजूदा जो बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कितना रन मारा है और किसने सबसे ज़्यादा रन मारा है। तो सबसे टॉप पे आते हैं दोस्तों डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने 4 मैच में 4 इनिंग खेली है, 228 रन मारा है, जिसमें से हाईएस्ट 163 रन इनका और जो एवरेज है वो 53 का है, स्ट्राइक रेट 109 का है। मिचेल मार्श आते हैं उसके बाद, उन्होंने 4 मैच में 4 इनिंग में 180 रन जड़े हैं, जिसमें से हाईएस्ट 121 रन है, 45 का एवरेज है और 100 का स्ट्राइक रेट है। 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी है डेविड वार्नर की, 1 सेंचुरी है। वहीं हम बात करें लाबुशेन की, तो लाबुशेन ने 4 मैच में 4 इनिंग खेली, 121 रन बनाए हैं, हाईएस्ट जो है 46 रन है, एवरेज जो है 30 का है और जो स्ट्राइक रेट है उनका 64 का है। अगर जॉस इंग्लिस की बात करें, तो 3 मैच में 3 इनिंग में बैटिंग मिली इनको, 76 रन बनाए हैं, 25 के एवरेज से, 105 के स्ट्राइक रेट से 150 रन मारे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये सारे बैट्समैन का जो 50 और 100 रन का जो कॉलम है वो खाली है। इसी का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम अभी तक 2 ही मैच जीती है। तो आइए देखते हैं हम कि स्टीव स्मिथ ने 4 मैच में खेला है, 4 इनिंग खेली है, 72 रन बनाए हैं, 18 का एवरेज है, 71 का स्ट्राइक रेट है। इनका फ्लॉप होना टीम को बहुत नुकसान दे रहा है, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि ये कल के मैच में चल जाए, डेफिनेटली ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो मोस्ट प्रॉबली हम सोच सकते हैं कि ये कल के मैच में चल जाए। अगर हम बात करें स्टार्क की, तो स्टार्क ने 3 मैचों में बैटिंग की है, 57 रन मारा है, 28 रन हाईएस्ट है, 19 का एवरेज है और 64 का स्ट्राइक रेट है। मैक्सवेल अभी तक नहीं चले इस पूरे वर्ल्ड कप में, इन्होंने 4 मैच में 4 इनिंग खेली है, 1 बार नॉट आउट गए हैं, 49 रन मारा है इन्होंने, हाईएस्ट जो है इनका 31 रन है और एवरेज की बात करूँ तो 16 का एवरेज है, 76 का स्ट्राइक रेट है। मार्कस स्टोनिस ने 3 मैच खेला है, 3 इनिंग, 1 बार नॉट आउट, 46 रन बनाए इन्होंने, 21 रन बेस्ट है इनका और 23 का एवरेज है और 121 का स्ट्राइक रेट है। अगर हम बात करें पैट कमिंग्स की, तो पैट कमिंग्स ने 4 मैच खेला है, 3 मैचों में बैटिंग मिली है इनको, 1 बार ये नॉट आउट गए हैं और 43 रन बनाए इन्होंने, हाईएस्ट इनका जो है 42 रन है, 21 का एवरेज है और 81 का स्ट्राइक रेट है। वहीं जंपा ने 3 मैचों में बैटिंग मिली है इनको, 2 बार नॉट आउट गए हैं, 18 रन बनाए हैं, 18 का एवरेज है और 48 का स्ट्राइक रेट है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीन प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कोई इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जबकि स्टीव स्मिथ बहुत बड़े प्लेयर हैं, मैक्सवेल बहुत बड़े प्लेयर हैं, मार्कस स्टोनिस बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, तो आप इनको अपने आने वाली टीम में कंसीडर दोस्तों कर सकते हैं। वहीं बात करें मोस्ट विकेट टेकिंग ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की, तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अभी तक एडम संपा है, जिन्होंने 4 मैच में 4 इनिंग में 36 ओवर फेंका है, 223 रन दिया है और 9 विकेट लिया है, ठीक है। स्टार्क ने 4 मैच में 6 विकेट लिया है, हेजलवुड ने 4 मैच में 5 विकेट लिया है, पैट कमिंग्स ने 4 मैच में 5 विकेट लिया है, ग्लेन मैक्सवेल ने 4 मैच में 3 विकेट लिया है, मार्कस स्टोनिस ने 3 मैच में 2 विकेट लिया है। तो जंपा और स्टार्क और हेजलवुड को छोड़ दिया जाए, और थोड़ा बहुत पैट कमिंग्स बहुत महंगे साबित हुए हैं, इनका इकोनॉमी देखिए 6.64 का है। तो अगर इन तीन गेंदबाजों को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादा कोई फॉर्म में दिखता नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें नीदरलैंड के मोस्ट रन गेटर्स की, तो नीदरलैंड में आते हैं एक्रमन, उन्होंने 4 मैच में 127 रन मारे हैं, 31 का एवरेज है और 84 का स्ट्राइक रेट है। एडवर्ड्स जो कैप्टन है, उन्होंने 4 मैच में 124 रन मारे हैं, जिसमें 41 का एवरेज है और 108 का स्ट्राइक रेट है, इनकी भी 150 है और एक्रमन की भी 150 है। देन सैब ब्रांड ने 3 मैच में 118 रन मारे हैं,
वेन बेक ने 3 मैच में 97 रन मारे हैं, जिसमें 48 का एवरेज है और 74 का स्ट्राइक रेट है, और 150 है उनकी। लिंडे ने 4 मैच में 93 रन मारा है, 23 का एवरेज है और 76 का स्ट्राइक रेट है, 150 उनकी भी है। विक्रम सिंह ने 4 मैच में 70 रन मारा है, जिसमें 70 का एवरेज है इनका और 60 का स्ट्राइक रेट है और 150 है इनकी, ठीक है। और बाकी तो ये गेंदबाज हैं, ठीक है, तो इनका हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। बट आप देख सकते हैं कि ये जो चार प्लेयर हैं, चार प्लेयर, और ये लिंडे बहुत ही की प्लेयर हैं नीदरलैंड के, ये कभी भी गेम बदल सकते हैं। तो ये अच्छे फॉर्म में हैं नीदरलैंड की तरफ से, बट इन्होंने बहुत बड़ा तो स्कोर नहीं किया है, बट आप इनको कंसिडर कर सकते हैं एज अ बैट्समैन, क्योंकि ये बैटिंग पिच होगी, इसलिए हम बैट्समैन को ज़्यादा कंसिडर करेंगे या ऑलराउंडर्स को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। वहीं अगर हम बात करें मोस्ट विकेट की, नीदरलैंड की तरफ से किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, तो वो आते हैं लिंडे। लिंडे ने 4 मैच में 7 विकेट लिया है। फिर आते हैं आर्यन, 4 मैच में 6 विकेट लिया है। फिर आते हैं मैकरेन, फिर उन्होंने 4 मैच में 6 विकेट लिया है। फिर मर्वे ने 4 मैच में 4 विकेट लिया है, लेकिन मर्वे ने अकेले दम पे इंग्लैंड को हरा दिया था, अकेले दम की बॉलिंग पे। फिर आते हैं एकरमैन, उन्होंने 4 मैच में 4 विकेट लिया है। फिर आते हैं लोगन वैन बेक ने 3 मैच में 4 विकेट लिया। तो इनकी गेंदबाजी डिसेंट है, इनकी गेंदबाजी बहुत ही डिसेंट है, और इसमें मर्वे जो है वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, फिर लिंडे एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और एकरमैन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो आप अगर ऑलराउंडर को पिक करना ज़्यादा चाहेंगे तो इन तीनों का जरूर ध्यान देना अपनी टीम में, ठीक है दोस्तों। तो ये रही पूरी बात जो अभी तक स्टैट्स है प्लेयरों का। कल की जो प्लेइंग 11 होने वाली है, प्रॉबेबल प्लेइंग 11 जो मेरे अकॉर्डिंग होने वाली है, वो है डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्कस लाबुशेन, जॉस इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, स्टॉइनिस, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और जॉस हेजलवुड। तो ये होगी प्लेइंग 11 जो है ऑस्ट्रेलिया की। और वहीं अगर हम बात करें नीदरलैंड की प्लेइंग 11 की, तो विक्रम सिंह एंड ओवेन आएंगे ओपनिंग करने, फिर एकरमैन, देन बांसली लिंडे, फिर सैब्रैंड, फिर तेजा, फिर स्कॉट, फिर आएंगे लोगन वेनबैक, फिर मर्वे आएंगे, फिर आर्यन दत्ता, फिर मैकरेन, ठीक है। तो ये प्लेइंग 11 होगी नीदरलैंड की, ठीक है दोस्तों। तो अब इन दोनों प्लेइंग 11 में हमें पिक करना है। तो जैसा कि मैं हर बार आपको दो टीम देता हूँ बना के, ठीक है, दो प्लेइंग 11 देता हूँ बना के, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एज अ विकेट कीपर स्कॉट एडवर्ड्स को लूंगा, बैट्समैन में डेविड वार्नर और मिचेल मार्श और एम डॉन को लूंगा, फिर ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, स्टॉइनिस, कॉलिन एकरम एंड सैनब्रैंड। मैंने जैसा ही बोला था कि जो पिच है वो एज अ बैटिंग पिच है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर पिक करेंगे। फिर बॉलिंग में मैं पैट कमिंग्स, एडम जंपा और पॉल वैन मैकरेन को लूंगा, ठीक है। तो ये हुई जो टीम है मेरे अकॉर्डिंग, जो टीम है टीम वन। और टीम टू की अगर मैं बात करूँ, तो स्कॉट की को ही मैं टीम में रखूँगा एज अ विकेट कीपर, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, देन एम डॉन, फिर मैक्सवेल, मार्कस टोनिस, कॉलिन एकरम, मिचेल स्टार्क, एडम जंपाल, पॉल मैकरेन एंड आर्यन दत्ता। इसमें मैं जो कैप्टन है वो मिचेल मार्श को बनाऊंगा, और जो वाइस कैप्टन है वो आर्यन दत्ता को बनाऊंगा, क्योंकि एक अच्छे स्पिनर है, ठीक है, और ये किफ़ायती स्पिनिंग करते हैं, विकेट भी लेते हैं। इस वाले फर्स्ट टीम में मैं डेविड वार्नर को एज ए कैप्टन बनाऊंगा और एडम जंपा को मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि ये जो टीम बनाई है मैंने वो ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से बनाई है कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। तो ऑस्ट्रेलिया कैसे जीतेगी, जब डेविड वार्नर चलेंगे, मिचेल स्टार्क चलेंगे, और जो विकेट लेंगे वो एडम जंपा लेंगे, पैट कमिंग्स लेंगे, ठीक है, और ग्लेन मैक्सवेल लेंगे, स्टॉइनिस लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, है ना, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर होगा उनका विकेट मारेंगे मारेंगे प्लेयर्स। तो ये आपको पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको अगर चूज करना हो, तो जो कैप्टन होगा वो डेविड वार्नर को आप ले सकते हैं या मिचेल मार्श को बना सकते हैं। वाइस कैप्टन जो है आर्यन दत्ता या एडम जंपा। तो ये मैंने आपको सजेशन दिया है कि अगर आपको अपनी टीम में कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं, डेविड वार्नर को कैप्टन बना सकते हैं या मिचेल स्टार्क को कैप्टन बना सकते हैं, आर्यन दत्ता को बना सकते हैं या एडम जंपा को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टीम की जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। उससे पहले हम बात करते हैं कि किसको आपको लेना रिस्क है। जैसे मैंने अपने ही टीम में मार्कस स्टॉइनिस को लिया है और ग्लेन मैक्सवेल को लिया है, तो चूंकि हमने स्टैट्स देखा है कि इनके स्टैट्स इतने ज़्यादा अच्छे तो है नहीं इस करेंट वर्ल्ड कप में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसलिए मैंने अपनी टीम में इनको रखा है, ठीक है। तो ये है रिस्क,
है ना, ये है रिस्क। आप कभी सेफ टीम भी बना के खेलना, ठीक है, कि एक जब सेफ टीम बनाना तो इन दोनों को हटा देना, ठीक है, जो जो हालिया फॉर्म में हैं लोग उन्हीं को रखना। बट अभी क्या है, अगर आप रिस्क टीम बनाते हो आप, क्योंकि आप कई सारी टीम बनाते हो, अगर रिस्क टीम बनाते हो आप, तो इन दोनों बिग प्लेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते। फिर बात करते हैं हम एक्स्ट्रा टीम की, जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, वो है ये टीम, ठीक है, एडवर्ड्स, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, डॉन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोनिस, कॉलिन, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, पॉल मैकलेन एंड आरएन दत्ता, ठीक है। तो ये है एक्स्ट्रा टीम, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा।